नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले हिंदुस्तान में, आपके साथ अंशिका पांडे। सकरी गलियां हमेशा ही काशी बनारस की पहचान रही, लेकिन दिन पर दिन बढ़ते श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या के कारण प्रशासन को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन ने जमीन की बजाय यातायात के आसमानी साधन के बारे में सोच रखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले साल से काशी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे के काम की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि लोग काशी के दर्शन आसमान से ही कर सकेंगे। आइए देखते हैं जुड़ी खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जल्द ही नए साल में रोपवे की शुरुआत की जाएगी। वहीं बता दें कि पहले चरण में कैंट स्टेशन से गदोलिया तक रोपवे बनेगा और जिसमें कि लापाज और मैक्सिको के बाद काशी दुनिया का तीसरा ऐसा शहर होगा जहां रोपवे से लोग रोजाना की आवाजाही के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। रोपवे शुरू होने के बाद काशी के आसमान से ही लोगों को गंगा के दर्शन हो सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने के बाद पर्यटकों को घंटों जाम में फंसे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे समय बचाकर आसानी से आसमान से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके निर्देश पर कैंट स्टेशन से गदोलिया तक रोपवे बनेगा, जिससे कि बाबा के श्रद्धालु आसानी से बाबा के दरबार और गंगा घाट तक पहुंच सकेंगे। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के सपने को काशी के मूल रूप को बरकरार रखते हुए क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की योजना का हिस्सा है। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।